अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि प्रेयर टुगेदर्स और पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब में आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। इसके नाम से जाहिर है कि प्रेयर टुगेदर्स और पाकिस्तान एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक जस्तजू का नाम है, यकजहती का नाम है और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा का नाम है। क्योंकि मुसलमान होने के नाते हमें अंदाजा है कि दुआ में कितनी ताकत है और ईमान है कि दुआओं से तकदीरें बदली जा सकती हैं और प्रे टुगेदर फॉर पाकिस्तान इसी कोशिश का नाम है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियां, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियां, यहाँ हजाब और गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह के कलाम पाक से इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत देता हूं जनाब हाफिज रिजवान जिलानी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और कुरान पाक की तिलावत करें। जनाब हाफिज रिजवान जिलानी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا وأنتم لا تشعرون
सारे गुनाह माफ फरमा देता है और वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। और तुम अपने रब की तरफ तौबा व अनाबत अख्तियार कर लो और इसके अतात गुजार बन जाओ कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए और तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाए। और इस बेहतरीन किताब की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी जानिब उतारी गई कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। अब मैं दावा देता हूँ जनाब पे टुगेदर फॉर पाकिस्तान के फाउंडर्स के वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब नदीम शरीफ साहब, हमाद मलिक साहब और यासर लियाकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी टीम की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पहली पुकार पे यहाँ इकट्ठे होके और पूरे जोश से जज्बे से खुशी तौर पे लॉर्ड नजीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोफेसर मियां वहीदुर्रहमान साहब का जिन्होंने हमें बहुत ही हौसला बख्शा कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आगे बात बढ़ाने के लिए अपने दूसरे साथी हमाद मलिक साहब के हवाले करता हूँ, वो मजीद बात को आगे बढ़ा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्र हूँ मैं कि आप सबने टाइम निकाला और आज हमारे दरमियान मौजूद है। साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया और साहब का मेयर साहब का शाह कुरैशी साहब का ये सब वो दोस्त है जिन्होंने हमारी पहली आवाज सुनते साथ ही हमारा हाथ थाम लिया और हमें इंकरेज किया और इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ तआवुन किया। हमारे दरमियान अशोर बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हैं और वो सब ये जानना चाह रहे होंगे कि ये पे टुगेदर पाकिस्तान का क्या एम है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर करना चाहूंगा कि ये किसी किस्म की एनजीओ किसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक आइडिया है, एक कोशिश है और इसकी कोशिश इसके नाम से जाहिर है विच इज प्रे टुगेदर फॉर पाकिस्तान। इसमें प्रे के ऊपर हमने एम्फेसिस किया है और टुगेदर इस पर जोर दिया है। हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात और डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, वक्त कम है, मगर हम सब इसका हल चाहते हैं और हम डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट लोगों से इसके डिफरेंट हल सुनते रहते हैं। हमें एक कोशिश ये करनी है कि एक और हल इसका निकाला जाए और वो हल ये है कि हम अल्लाह पाक से जिन्होंने हमें भी बनाया और हमारे लिए पाकिस्तान को बनाया उनसे अल्लाह पाक से हम दरख्वास्त करें और सब मिलकर दरख्वास्त करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस अजाब से इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द रिहा फरमाइए। और इसमें वक्त की वजह से मैं यासर लियाकत साहब से कहूंगा कि वो क्विकली एक वेबसाइट के बारे में जो हमने बनाई है जो मेन इसका प्लेटफॉर्म है उसके बारे में चंद इंस्ट्रक्शन बता दें और उन्होंने बहुत प्यारी नजर लिखी है उनकी जज्बात प्लीज सब वॉच।